भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक के पहले वंदे मातरम गान गाकर ही अपनी कैबिनेट की बैठक करने का फैसला किया था। हर मंगलवार को वंदे मातरम का गान कैबिनेट की बैठक में होता था, बैठक शुरू करने के पहले, और हर महीने की पहली तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह फैसला किया था कि बल्लभ भवन के प्रांगण में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच वंदे मातरम गाया जाएगा। मुझे कहते हुए वह तकलीफ है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की सरकार ने आते ही वंदे मातरम के गान की परंपरा को समाप्त कर दिया। आज एक तारीख है, बल्लभ भवन के प्रांगण में आज वंदे मातरम होना चाहिए था, लेकिन वंदे मातरम गान नहीं गाया गया। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन देशभक्ति और देश सब दलों से ऊपर है, सब सरकारों से ऊपर है। मैं प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से ये मांग करता हूं कि वंदे मातरम का गान पूर्ववत कैबिनेट की बैठक के पूर्व और हर महीने की एक तारीख को बल्लभ भवन के प्रांगण में कराया जाना चाहिए, और यदि वो इसको नहीं करते तो मैं स्वयं देशभक्तों के साथ वंदे मातरम का गान बल्लभ भवन के प्रांगण में करूंगा।